नमस्कार। और एक कहावत से ही वीडियो शुरू करता हूं कि कहते हैं ना, पासा पलटते देर नहीं लगती और जिंदगी बहुत बढ़िया चीजें उलटती रहती हैं। तो शायद वो राज्य या वो स्टेट जो कुछ साल पहले बहुत बदनाम था हिडन फीस को लेके, एक्स्ट्रा चार्जेस को लेके, शायद आज उस स्टेट के कॉलेजेस हिंदुस्तान के सबसे सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस हो गए हैं। तो देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ के 3 छोड़ दें, बिहार के 2 छोड़ दें, वो भी लास्ट ईयर की फीस के हिसाब से, कटिहार मेडिकल और माता गुजरी 3 हम छोड़ दें छत्तीसगढ़ के, सेंट जॉन्स छोड़ दें, सीएमसी लुधियाना, सीएमसी वेल्लोर, और शायद जो 3 केरला के थे लास्ट ईयर जो 7 लाख फीस वाले बचे थे, उस 9-10 कॉलेज के अलावा इवन कर्नाटका के कॉलेज की फीस भी लास्ट ईयर 9,90,000 रुपए ट्यूशन फीस हो गई थी, राइट। और अब उसके अलावा जो खर्चा होगा या इस साल इंक्रीमेंट होगा तो बढ़ने की आसार है। प्लस बाकी पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा में भी जो 10 लाख हुआ करते थे वो खिसक के 12 लाख हो ही जाएंगे। तो हम मान के चल सकते हैं कि 12-13 लाख पर ईयर से कम ट्यूशन फी तो इंडिया में कहीं नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने 2021 की फीस भी लॉन्च कर दी है, कल ही नोटिफिकेशन आया है। और जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट ईयर तक 29 प्राइवेट कॉलेज थे, इस साल एक नया प्राइवेट कॉलेज आया है कानपुर में, नारायणा मेडिकल कॉलेज। टोटल 30 उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजेस हो गए। संतोष डीम्ड अलग है, हम जानते ही हैं, और सरकारी भी 9 जो बड़े हैं वो अलग हैं। इन 30 में माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी हम जानते ही हैं कि 5 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जिनकी फीस पहले भी ज्यादा ही रहती है, 4 मुस्लिम माइनॉरिटी और 1 तीर्थांकर महावीर जैन माइनॉरिटी, जिनकी फीस 15-16 लाख रुपए ईयरली रहती है। पर बाकी जितने भी कॉलेजेस थे, अगर आपको लास्ट ईयर का भी ध्यान होगा, तो रीजनेबल था। मतलब सबसे सस्ता हिंद सीतापुर 10,40,000, फिर मेयो बाराबंकी 10,67,000, वेंकटेश्वरा 10,83,000 की फीस भी थी। मतलब 11 लाख से कम भी 4 ऑप्शन थी लास्ट ईयर। और उसकी वजह से जो टोटल पैकेज बनता था, यूपी 4.5 साल की सिर्फ फीस लेता है, बहुत सख्ती हो गई है अब सरकार की हिडन चार्जेस को लेके। तो हम जानते हैं, जो दावे से हम कह सकते हैं कि ऊपर से, जैसे कहते हैं, जो चार्जेस हैं वो एक लिमिट से ऊपर आपके नहीं लगेंगे। तो इस साल भी लॉन्च कर दिया गया कि एसी हॉस्टल प्लस मेस फ्लैट 1,75,000 रुपए, नॉन एसी 1.5 लाख रुपए, तो 1,75 पकड़ लेते हैं। 85,000 की कट ऑफ है मिसलेनियस की, विच मीन्स 1,75 जमा 85 मोटा मोटी 2.5 लाख रुपए हो गए ट्यूशन फी के अलावा। और इस साल भी जो सबसे सस्ता वही निकल के आ रहा है, हिंद वाला, जो कि लास्ट ईयर भी सस्ता था, जिसकी फीस बढ़ के अब जो 10,40,000 का था हिंद बाराबंकी, उसकी फीस अब बढ़ के 10,77,000 ही हुई है। जो मैंने कहा था जो 11 के नीचे के 4 कॉलेज थे, मेयो बाराबंकी 10,66,000 से 11,21 हुआ है। और इन सबको कंसीडर करते हुए, 2.5 लाख को कंसीडर करते हुए हॉस्टल फीस, अभी मैं पहले साल के बस 3 साल हटा रहा हूँ, 3 लाख हटा रहा हूँ जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, उसके अलावा भी हम सारे खर्चे लगा लें, जैसा मैंने कहा 4.5 साल, मतलब 4.5 साल की फीस है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में आपके पास वही हिंद बाराबंकी या हिंद सीतापुर में आप देखेंगे, सॉरी हिंद सीतापुर तो और सस्ता था, जो लास्ट ईयर 10,40 और इस साल 10,77 हुआ है, उसकी फीस हॉस्टल मिला के 4.5 साल के हिसाब से 60 लाख से कम, मतलब टोटल पैकेज आपका 59 लाख 59,07,000 का बन जाएगा फॉर नॉन एसी। और एसी के आप 25,000 रुपए जोड़ भी लेंगे जो, तो भी आप 60 लाख में आ जाएंगे। और इसी 60 से लेके 65 लाख तक की रेंज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे महंगा यूपी का सबसे बेस्ट कॉलेज का ही पैकेज आता है श्रीराम मूर्ति, जो थोड़ा सा 72 लाख की तरफ जा रहा है, क्योंकि श्रीराम मूर्ति की फीस 13,73,000 रुपए पर ईयर हो गई है, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट भी उसी में हुआ है। उसके बाद सुभारती इस साल भी 11,85 है, टीएस मिश्रा 13 लाख पे पहुंच गया है, वरुण अर्जुन 12-10 पे है। जो अगर मैं यूपी के अच्छे कॉलेज के हिसाब से बताऊं, जो कि नामी कॉलेजेस हैं, तो अगर हम शारदा पे आ जाए तो शारदा की फीस 12,70, तो श्रीराम मूर्ति का पैकेज 72, अभी मैं नॉन एसी हिसाब से बता रहा हूँ, 72.5 72.5 लाख, शारदा का पैकेज 67 लाख जो कि हम इधर नंबर 2 में बेस्ट मान लेते हैं। सुभारती का पैकेज सबसे कम है एक्चुअली, तो 64 लाख रुपए। उसके अलावा जो अच्छे कॉलेजेस हैं, हेरिटेज वाराणसी 70 लाख पे जा रहा है, और इसके अलावा मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज अराउंड 68 लाख, और फिर रोहिला खंड भी
रामा हापुर जो हम जानते हैं काफी पुराना, काफी अच्छा है, 70 लाख, विलाखंड भी 70 लाख। सो यूपी के जो 6 नामी कॉलेज है, श्रीराम मूर्ति, शारदा, रोहिलाखंड, हेरिटेज वाराणसी और रामा हापुड़, ये सब अराउंड 70-72 की रेंज में है। और सुभारती फिर अपना अभी भी 63-64 की रेंज में है। और काफी बहुत सारे कॉलेजेस फिर हैं जो कि 60 से 63 की रेंज में पूरा पैकेज है। सो देखिए, मेरे ख्याल है कर्नाटक की फीस अगर 10% भी बढ़ जाती है, सब कॉलेज के 20% बढ़ जाती है, तो कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस भी उत्तर प्रदेश से महंगे हो जाएंगे। लेकिन अब इसकी असली लर्निंग क्या है, देखिए जैसा मैंने कहा कि पहले बहुत बदनामी थी उत्तर प्रदेश में हिडन फीस को लेके, तो काफी लोग सेफ खेलते थे और डीम यूनिवर्सिटीज में चले जाते थे कि वहां तो हमें पक्का पता कि इतना ही खर्चा होगा। लेकिन अगर आपको अब 70 से 73 की रेंज में उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो शायद जो स्टूडेंट्स हैं, जो समझदार स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, वो साउथ की ड्यून में ना जाके उत्तर प्रदेश में जाना पसंद करेंगे, खासकर जो पुराने कॉलेजेस हैं। अगर आपको वो नए कॉलेज और कोर्स क्वालिटी शुड ऑल्सो बी कंसर्न, बट अगर मैं सिर्फ बजट की बात करूं तो बहुत रीजनेबल है उत्तर प्रदेश। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो हम मान के चलते थे पिछले साल तक कि 250 नंबर है तो उत्तर प्रदेश में फलाने 4 कॉलेज मिल गए, 300 नंबर मिल गए, देखिए इस साल मैं कह सकता हूं कि ये काफी चेंज हो सकता है। खासकर जब आप नोट कीजिए कि बिकॉज ऑफ दिस NMC गैजेट जो आया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को कंसर्न हो गई है बाहर जाने में, और अगर बाहर जाने के लिए 30-35 लाख रुपए खर्च कर ही रहे हैं, तो उन्हीं नंबरों में अगर आपको 60 लाख में उत्तर प्रदेश मिल रहा है फुल पैकेज में, प्लस एक साल का फर्क, आप मेन बात यह सोचिए, अब उत्तर प्रदेश में आप 4.5 साल जमा, 1 साल 5.5 साल में, और 60 लाख के खर्चे में 62-63 में आपकी MBBS हो जाएगी। आप बाहर सबसे सस्ते में भी चाहते हैं, सबसे पहली बात यह है कि आप वहां पर जो एडिशनल इंटर्नशिप करनी जो पड़ेगी, आपका 1 से 1.5 साल एक्स्ट्रा लगेगा, और अगर आपके बाहर जाकर भी मिनिमम 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, ऑफकोर्स 25 और 60 में बहुत फर्क होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट 1 से 1.5 साल एक्स्ट्रा, साथ में ये की रिजनेबल फीस है, मतलब हमें उम्मीद थी कि शायद उत्तर प्रदेश की भी सारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो 75 पार कर जाएगा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश काफी सस्ते में रह गया। और जो हम कहते हैं ना, जो पंजाब के जो सब्सिडाइज मैनेजमेंट फीस वाले कॉलेज हैं, जहां 9.5 लाख रुपए फीस लेते हैं, देखिए वहां पर भी तो सब मिला मुल के आप 55 तो खर्च करेंगे हॉस्टल मिला के, अब तो सिर्फ 5 लाख का फर्क रह गया। जो क्रेज था पंजाब की मैनेजमेंट सीट का 9.5 लाख वाली, पंजाब के डोमिसाइल वालों के लिए, बाहर वालों ने तो खैर है ही नहीं वो, आई थिंक उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश की नॉर्मल सीट ही बहुत कम्पीट करेगी इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट बजट। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो आपको कंसिडर करने ही है, उन्हीं के लिए हम गाइडेंस देते हैं, लेकिन एज फार एज फीस इज कंसर्न, आई थिंक उत्तर प्रदेश हैज डन अ वेरी गुड जॉब, और आई थिंक बहुत उन्होंने फीस को कंट्रोल ही रखा है इस साल, मतलब शायद एवरेज फीस 10% भी नहीं बढ़ी है पूरी, मतलब ऑफकोर्स कुछ ही कॉलेज में बढ़ी है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 10% से भी कमी का इंक्रीमेंट रहा है। ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश में अर्ली इंक्रीमेंट भी अलाउड नहीं है फीस का, तो आज जो फीस स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया वही रहता है पूरे टाइम में, 4.5 साल की फीस ली जाती है। जैसा मैंने कहा, बाकी सभी चार्जेस पे गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल हो गया है, लिख के दे दिया गया है कि इसके अलावा कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते, पेरेंट्स कैन एक्चुअली गो टू कोल्ड। तो इन सब वजहों से आई थिंक इट्स हैज बिकम अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और उत्तर प्रदेश में मुझे उम्मीद यही है कि शायद अब मध्य प्रदेश के, गुजरात के, और कई लोग ट्राई करेंगे उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना, क्योंकि वहां पर तो फीस स्ट्रक्चर ज्यादा हो जाता है। महाराष्ट्र के जिन्हें अपने स्टेट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, और जो महंगी महंगी 18 लाख 20 लाख की डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस होती है, और जिसका असली निष्कर्ष यही है कि उत्तर प्रदेश की कट ऑफ बहुत बढ़ सकती है। और देखिए बहुत मतलब बहुत, मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ जिसकी फीस हम 7-8 लाख रुपए साल की मांगते थे, जिसकी वजह से 500 के ऊपर कट ऑफ जाती थी, तो एक बार अगर लोगों ने अपना मन बना लिया वो जो परमिटेड होने के, ऑफकोर्स मैं बार बार कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के 30 प्राइवेट में से 10 प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छी पढ़ाई अभी नहीं हो रही है, लेकिन बस वही बात है, जो इंडिया कल्चर है वो तो हिंदुस्तान के 125 प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही अच्छी। तो अगर आप एक बेकार ड्यून में जाते हैं या किसी बेकार किसी और स्टेट के कॉलेज में जाते हैं, उसके मुकाबले आप उसी बेकार या एवरेज कह लीजिए या बिलो एवरेज कह लीजिए उत्तर प्रदेश में आते हैं। पॉइंट मेरा ये है कि जो लोग ये मान के बैठे हुए थे कि उत्तर प्रदेश में तो हमें मिल ही जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर का ट्रेंड हमने देखा है, लास्ट ईयर तो डाउन थी, फर्स्ट राउंड में 230-250 नंबर पे भी यूपी में सीट मिली है,
देखिए अब कोई गारंटी नहीं है, तो मैं बार बार लोगों से ये कहता हूँ कम से कम 3 से 4 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। अब जिस भी एरिया में रहते हैं उसके हिसाब से, नॉर्थ वालों को हमेशा कहता हूँ कि भैया आप हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड तीनों भरिए, राजस्थान राउंड 2 से भरिए, हिमाचल भरिए, चाहे एक ही कॉलेज है जिसका कल लास्ट डेट है। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं 11 दिसंबर को, क्योंकि कभी कभार वो एक कॉलेज भी काम आ जाता है, और क्योंकि मध्य प्रदेश क्लोज स्टेट है, महाराष्ट्र क्लोज है, गुजरात क्लोज है, तो और कोई बचा ही नहीं। छत्तीसगढ़ में कॉलेज इतने कम है, कट ऑफ बहुत हाई रहेगी। बिहार में भी अप्लाई किया जाता फॉर दैट मैटर, उड़ीसा भी क्लोज स्टेट है, तो उसके हिसाब से कम ही ऑप्शन हैं। तो अब ये मत सोचिए कि सिर्फ यही अप्लाई करना है, क्योंकि ये मत सोचते कि आपको सीट ही ना मिले। मैं आपको बता रहा हूँ, इस फीस स्ट्रक्चर को देख के मेरी गट फील कह रही है उत्तर प्रदेश की कट ऑफ इस बार बहुत ऊपर जाने वाली है। सो 200-250 नंबर वाले अगर ये सोच के बैठे हुए थे कि हमें उत्तर प्रदेश मिल ही जाएगा, सो दे शुड थिंक अगेन। ये मैं आपको लास्ट में एडवाइस दूंगा। अभी समय बहुत है, तो ढंग से सोचिए, ढंग से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। हमें हमारी हेल्प की जरूरत है अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मेशन में। आप हमारा पेड प्रीमियम पैकेज ले सकते हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, देखिए मुझसे बात करने के लिए, 2 सवाल पूछने के लिए नॉमिनल 1500 रुपये हम चार्ज करते हैं फॉर अ 15-मिनट डिसीजन विद मी। फॉर अ फुल फ्लैज 1 आवर डिस्कशन दिस अमाउंट इज ओनली 5000 रुपीज। और फ्यूचर में जब हमारा पैकेज लेते हैं तो ये जो अमाउंट है ये उसमें से एडजस्ट हो जाता है अगर आप हमारा फुल पैकेज लेते हैं तो। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं, आपको जवाब यही मिलता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा एनालिसिस, मेरी स्ट्रेटजीज पे भरोसा है तो, और आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो देखिए फीस भी दीजिए। आप लोगों से फीस लेना ही मेरा प्रोफेशन है। मतलब यूट्यूब के वीडियो के व्यूज से मेरी इनकम नहीं होती, और मैं ऐड चलाता भी नहीं अपने चैनल पे ताकि आप लोगों का टाइम खराब ना हो, और ऐड से मेरी फ्रेंडली कुछ मिलता भी नहीं है। तो आप ये मान के चलिए हम जो ये आपके लिए एनालिसिस कर रहे हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, दैट इज डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं हमसे स्पेसिफिक सवाल पूछना इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन के अलावा, तो आई गेस कि यू शुड बी रेडी टू पे फी। और मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि आप 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख का कॉलेज एक झटके में लेने को तैयार है, लेकिन 5000, 25000, 50000 या कभी कभार तो 1500 रुपये की फीस भी भरने को तैयार नहीं है फॉर द राइट एंड पॉइंटेड गाइडेंस। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आप ही जानते हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है और जो फीस नहीं देना चाहता। धन्यवाद।